गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज मेड फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 मॉडर्न पब्लिक स्कूल सब्जेक्ट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर है प्रेशर। जब आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, इस तरह हेडिंग देंगे। ये प्रेशर का फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर है क्या? इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, नॉट कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में जब आपके पास बहुत सारा वर्क लोड हो, फर्स्ट पीरियड में बनाना है, सेकंड पीरियड का होमवर्क है, थर्ड पीरियड का भी होमवर्क है, फोर्थ पीरियड में याद करना, जबरदस्त प्रेशर है। कहते हैं ना प्रेशर है, प्रेशर मीन्स आपके ऊपर एक दबाव है कहीं से। बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स प्रेशर क्या है, किन चीजों पर डिपेंड करता है एंड ऑन विच फैक्टर प्रेशर डिपेंड्स एंड विच मैनर, किसके बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, किसके घटने से घटता है, प्रेशर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्रेशर बढ़ा करके हम अपने डेली लाइफ में उसका क्या यूज करते हैं, उसका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, प्रेशर बढ़ाने का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को हम लोग को अध्ययन करना है क्लास 8 में। वो दूसरी बात है, अगर आप 9th क्लास में भी जाएंगे तो वहां भी ये प्रेशर चैप्टर मिलेगा। तो इस प्रकार ये 8 और 9 दोनों ही क्लासेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बेसिकली छोटी छोटी बातों से आपको प्रेशर समझाने का प्रयास करते हैं। बट एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी समझ से है, पहले इसको थोड़ा समझे। सपोज करो बेटा एक सर्फेस है, हॉरिजॉन्टल सर्फेस एक्स, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, मासिक ब्लॉक है, मान लो 1 kg मासिक। अब कुछ सिचुएशन को गॉट, एक्चुअली प्रेशर जो है ये फोर्स से ही रिलेटेड टर्म है जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। अब ये कैसे है और किस प्रकार की फोर्स एक्ट करे तो प्रेशर में कन्वर्ट होगा, इसको जरा समझिए। तो कैसे समझे, सपोज एन एक्स वाई इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए मास एम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन दैट सरफेस। व्हाट हैपेंस इफ वी अप्लाई ए फोर्स एफ इन दिस वे? फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि हमने तुरंत फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है तो आप कहेंगे कि एक फ्रिक्शनल फोर्स अपीयर होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एस्थेटिक फ्रिक्शन होगा, तो एफ इक्वल टू एफ एस होगा। बट इसकी चर्चा अभी नहीं करना है। मान लो हमारा जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स एस्थेटिक फ्रिक्शन को पार कर जा चुका है, यहां हम फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करके बात कर रहे हैं। तो एफ फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगी, यहां से ऑब्जेक्ट यहां इस डिस्टेंस को कवर करेगा। तो फोर्स का एक इफेक्ट है कि बाय अप्लाइंग फोर्स ऑब्जेक्ट कैन मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशन। फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। यहां देखो तो ये जो ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है तो जितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। पेनिया इसको हम यहां रख करके यहां रखते हैं तो कहते हैं कि पेन अपनी जगह से क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। तो ये सपोज करो इस फोर्स लगाने से इसमें डिस्प्लेसमेंट एस होता है। तो अगर किसी फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन, क्या हुआ, एक वर्क। यानी फोर्स का एक इफेक्ट है कि वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, और जब डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो हम कहते हैं कि उस फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ।
यानी वर्क भी फोर्स रिलेटेड इफेक्ट है, बट इसी को थोड़ा अलग ढंग से समझा जाए। अगर इस फोर्स को हम इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट न करके ऐसे ऐसे लाइट करते, फिर भी क्या होता, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। बट एक ऐसा कंडीशन आए कि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फोर्स लगाए इस तरह से परपेंडिकुलर, क्या अब ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह से इस डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर करके यहां से यहां तक आ सकता है, या थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट? नहीं, कभी भी नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, बट अगर 90 डिग्री पर फोर्स लगाए तो उस फोर्स के प्रभाव से डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उस फोर्स के इफेक्ट से ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, एक प्रेशर एक्ट करता है। तो एक्चुअली जो फोर्स सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है, जैसे ये सपोज करो एक बेंच, अगर इसे हम ऐसे करते हैं फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे की ओर बढ़ रहा है, बट सिचुएशन गौर करो अगर इस पर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं इस तरह से, क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा आगे की ओर? इस तरह से पूरा 2 elephants के इक्वल फोर्स ऐसे लगाए, हो सकता है कि वो टूट जाए, नीचे की ओर गिर जाए, तो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उस समय इन द सेम डायरेक्शन होगा। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यहां बहुत अधिक लोड भी लगाएं और इस तरह नाइट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट आगे की ओर बढ़े। तो इस स्थिति में 90 डिग्री पर फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट आगे की ओर नहीं बढ़ता है, उसमें मोशन नहीं होता है, क्या होता है, द एग्जर्टेड प्रेशर। तो यही है प्रेशर कि इस सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लगता है, सिंपल 8th class के बच्चे को बता दिया जाता है कि फोर्स, ये फोर्स कहां होगा तो किस एरिया पर एक्ट करेगा, तो फोर्स एक्टिंग फॉर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लेकिन एक कैसा फोर्स होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर फोर्स, इसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। ये सब लॉजिक है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग फॉर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको मालूम है कि हम लोग के पढ़ने का कैसे सीक्वेंस है। अभी आज हम आपको सिर्फ सिंपल वे में बिना किसी खास डिफिनेशन को लिखे, अभी मैं आपको प्रेशर समझाने का उसका फॉर्मूला किन बातों पर डिपेंड करता है ये सब बातों को पहले बहुत बेहतर ढंग से समझ ले रहे हैं, फिर आपके बुक के हर एक सेंटेंस को लाइन बाय लाइन जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। बहुत समय है, आपका एक होमवर्क भी रहेगा, आप अपने बुक को एक बार पढ़ेंगे और उसमें जो भी हार्ड वर्ड लगे जिसकी मीनिंग आप नहीं जानते हैं उसको एक जगह नोट कर लेंगे, पढ़ते समय उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या कहोगे बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ, बट अगर सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उस पर कोई वर्क नहीं होता है, तो वो कहां कन्वर्ट होता है, प्रेशर के रूप में कन्वर्ट होता है। तो द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग फॉर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आपके बुक में भी देखो ये फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, हम आपके बुक को इसलिए कहते हैं कि आप बुक पढ़ा करो कि द प्रेशर ऑन ए सरफेस, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। आपके बुक में नॉर्मल फोर्स नहीं है, सीधे द फोर्स एक्टिंग, आपके बुक की बात कर रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर पी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ हो गया अप्लाई फोर्स और ए हो गया एरिया, सरफेस एरिया ऑन विच फोर्स। तो अभी तक हम लोग दो बातें चल रहे हैं, ये हमारा नया चैप्टर है प्रेशर, ये प्रेशर कैसे होता है, कैसे डिफाइन है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन किस प्रकार का फोर्स, वो फोर्स जो 90 डिग्री पर लगता है। तो अगर 90 डिग्री पर कोई फोर्स लगता है तो उससे वर्क नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ना, उससे क्या होता है वो आपको कन्वर्ट होता है प्रेशर में। तो प्रेशर कैसे डिफाइन है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये भी आपकी बुक का है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट, ये हूबहू आपकी बुक से
लिखा गया है द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस इज कॉल्ड प्रेशर पी इक्वल टू एफ बाई ए एफ मीन्स अप्लाइड फोर्स वन आगे आप क्लासेस में देखोगे कि इस फोर्स को थ्रस्ट भी कहते हैं यानी कि नॉर्मल फोर्स जो है इस फोर्स के लिए एक स्पेशल नाम हम लोग क्या देते हैं थ्रस्ट तो इसलिए प्रेशर ऐसे भी डिफाइंड है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या थ्रस्ट इज कॉल्ड प्रेशर ये सारे डिफिनेशन हो गए मतलब बेसिक ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया दैट्स ऑल समझ रहा हूं आप बेहतर ढंग से समझ गया होंगे कि फोर्स के दो इफेक्ट हैं एक अगर फोर्स से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो कहते हैं वर्क इज डन एंड अगर नॉर्मल फोर्स लगता है तो उससे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है उससे ऑब्जेक्ट पे क्या होता है एक प्रेशर एग्जर्ट करता है और ये प्रेशर कैसे डिफाइन है फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ सर्फेस रदर नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया और इसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट भी कहते हैं तो आप कह सकते हैं थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर अब प्रेशर का डिफिनेशन हुआ अब प्रेशर और फॉर्मूला अब हम लोग प्रेशर की यूनिट पता करेंगे है ना उसके बाद हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल्स के द्वारा हम बहुत अच्छा बताना चाहेंगे कि प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया डिफाइन है तो इसका फोर्स और एरिया से कैसे रिलेशन है कैसे फोर्स को इक्वल रखते हुए भी प्रेशर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है कैसे एरिया को इक्वल रखते हुए भी प्रेशर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है क्या फोर्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है या घटता है क्या एरिया के बढ़ने से मतलब व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन द चेंज ऑफ फोर्स एंड एरिया इन सब बातों को हम बताएंगे नहीं हम लोग एक न्यूमेरिकल्स के द्वारा समझेंगे क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स जो है वो फिजिक्स के चीजों को क्लियरिफाई करने के लिए उसके एजम्पशंस को बताने के लिए बहुत कुछ है तो अब पहले हम लोग यूनिट देखते हैं तो प्रेशर P इक्वल टू F बाई A ऐसा यूनिट ऑफ P ऐसे भी हम लोग अब ऐसा यूनिट ही बात करते हैं आप जानते हो कि पढ़ाया भी गया होगा कि थ्री सिस्टम CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इन CGS सिस्टम सर चल जाएंगे इन CGS सिस्टम भी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर मास इन ग्राम टाइम इन सेकेंड एफपीएस फुट पॉन्ड सेकेंड लेंथ इन मेजर इन फुट मास पॉन्ड टाइम सेकेंड एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड मीटर लेंथ केजी किलोग्राम मास सेकेंड टाइम बट आज के दिन में क्या है इन तीनों लोकल लेवल पे इनका यूज होता ही है ना बट इन द लाइन फॉर द फिजिक्स हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट एक्चुअली इंटरनेशनल यूनिट भी एमकेएस सिस्टम का ही थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म है मॉडिफाइड फॉर्म है एसआई यूनिट में भी मास से इज टेकन एज किलोग्राम यूनिट ऑफ मास किलोग्राम लेंथ मीटर एंड टाइम सेकेंड तो हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर तो सिंस P इक्वल टू एफ बाई ए एस आई यूनिट ऑफ P इक्वल टू एस आई यूनिट ऑफ F बाई एस आई यूनिट ऑफ A F का ऐसा यूनिट न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर देयरफॉर एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर विच इज कॉल्ड पास्कल पास्कल को पास्कल इज डिनोटेड बाय पी ए वन पास्कल इक्वल टू वन न्यूटन बाय वन मीटर स्क्वायर एक बार फिर से देख के रिपीट अगेन दो मिनट आप समझिए पहले प्रेशर P इज इक्वल टू F बाई ए एस आई यूनिट ऑफ P सिंस P इक्वल टू F बाई ए
यूनिट ऑफ पी यूनिट ऑफ ए बाय यूनिट ऑफ ए फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन या डाइन जो पिछले क्लास में हमने लिखा था, बट ऐसा यूनिट न्यूटन है। और एरिया का मीटर लेंथ का मीटर होता है, और एरिया क्या है लेंथ इनटू लेंथ इट मींस मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट में एक्सप्रेस होगा, वॉल्यूम हो तो वो क्यूबिक यूनिट में होगा। मीटर क्यूब अगर कहीं लिखा हो तो आप समझ जाएगा और वॉल्यूम की चर्चा है, मीटर स्क्वायर है तो एरिया की चर्चा है ना। तो ऐसा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर विच इज कॉल्ड पास्कल, वन पास्कल इक्वल टू वन न्यूटन बाय वन मीटर स्क्वायर। तो वन पास्कल को भी आप कैसे डिफाइन करेंगे कि सपोज करो एक सरफेस है, इसका एरिया वन मीटर स्क्वायर है, और इस पर परपेंडिकुलर हम कितना का फोर्स लगाते हैं वन न्यूटन, तो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा वन पास्कल। इट मीन्स वन, हाउ डिफाइन वन पास्कल, इफ ए नॉर्मल फोर्स, इफ ए ध्यान से देखिए, इफ ए नॉर्मल फोर्स ऑफ हाउ मच वन न्यूटन, इफ ए नॉर्मल फोर्स ऑफ वन न्यूटन अप्लाइड ऑन ए सरफेस हैविंग एरिया वन मीटर स्क्वायर, देन प्रेशर एग्जर्टेड ऑन दैट सरफेस इज कॉल्ड वन पास्कल, यानी वन पास्कल वन न्यूटन बाय वन मीटर स्क्वायर। अब आगे हम लोग जो भी बात करेंगे फ्रॉम न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे, बट P = F / A इसको देखने से पता चलता है बेटा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा F के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके एरिया के। अब डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है इसको हमने बताया है बहुत अच्छा से इन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन प्रत्यक्ष में हम बताया था कि मास फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आप समझते होंगे ब्रदर, फिर भी समझ लीजिए कि फोर्स अगर बढ़े तो प्रेशर बढ़ेगा, बट एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या होता है घटता है। दैट्स ऑल, अब आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आप बुक पढ़ लीजिएगा। आज की कहानी इतनी, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।